निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं महाराज, और मेरी बात के वास्तविक महत्व को समझ गए। मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं हूं। विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पति अपना जीवन पत्नी को और पत्नी अपना जीवन पति को दे देती है। यदि मैंने स्वयं को आपके अधीन कर दिया तो मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, और जब मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा तो मैं उस जीवन को अपनी अर्धांगिनी को कैसे सौंप सकता हूं? यह उसके साथ छल होगा। विवाह संबंध में पति पत्नी के बीच आदर का होना अति आवश्यक, और यदि मैं आपके अधीन हुआ तो देवकी मेरा सम्मान कभी नहीं कर सकेगी, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध कैसा? छल की नींव और असम्मान के आधार पर मैं विवाह का संबंध बनाने में असमर्थ हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। जिसकी राजसभा में दास बनने के लिए स्वयं देवता व्याकुल रहते हैं, उस सभा को छोड़कर जाने का साहस तुमने किया कैसे? अब तुम ही सोचो कि कंस का अपमान करने के बाद क्या कंस तुम्हें सभा से जाने देगा? ना, कंस तुम्हें इस सभा से कभी नहीं जाने देगा। वसुदेव, इस सभा में सर्वश्रेष्ठ वर तुम हो, और तुम ही हो जो विवाह के संबंध का अर्थ समझता है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। जो व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता वो मेरी बहन को कभी भी दासी नहीं बनाएगा। जिस व्यक्ति में इतना साहस है कि वो कंस के विरोध में खड़ा हो गया, वो निश्चित रूप से जीवन भर मेरी बहन को सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, पहला मेरी बहन से विवाह कर लो वसुदेव, दूसरा या फिर कंस की तलवार का सामना करो। सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं आपकी तलवार से भयभीत नहीं हूं महाराज, परंतु
अपने प्रिय मित्र को खोने का साहस भी मुझ में नहीं है। मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा है। विदाई के समय कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बना। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देवकी वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवकी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की आठवीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी आठवीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। तूने संसार की कितनी माताओं से उनके बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं ज्येष्ठ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं संसार में सबसे अधिक प्रेम आपसे करती हूँ। मैं आपके विनाश का कारण कैसे बन सकती हूँ? मेरी संतान आपका अंत नहीं कर सकती ज्येष्ठ, या आकाशवाणी असत्य है। चिंतित ना हो देवकी, असत्य है ये आकाशवाणी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सारा संसार जानता है कि तुम सबसे अधिक प्रेम मित्र कंस से करती हो। इन्हें भी तुम सबसे अधिक प्रिय हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी की गूंज सुनाई दे रही है तुम्हें वसुदेव, मुझे तो अभी भी सुनाई दे रही है। तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। देवकी तो मेरी बहन है, देवकी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं देवकी से बहुत प्रेम करता हूँ, हम दोनों ऐसे हैं भाई बहन, है ना? हाँ मित्र। प्रण, देखा वसुदेव, परंतु शब्द मेरी जीभ पर आ ही गया। और जब किसी संबंध में परंतु किंतु अपितु आ जाए तो उसके समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अब तुम ही सोचो ना कि मैं अपने जीवन से अधिक किसी और के जीवन को मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं। मुझे तो अपने प्राण बहुत ही
बहुमूल्य लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं। इस देवकी से भी अधिक, इसके जीवन से भी अधिक। चल। दुष्ट कहीं का, जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था, एक पल में उसका प्रबल शत्रु बन बैठा। कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? पापियों का कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं होता, वो केवल स्वयं से प्यार करते। इन मार्गशिकाओं को देख रही हो? ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, जलते हुए दीपक की ओर स्वयं उड़ते हुए चले आते, ये जानते हुए कि यही इनके मृत्यु का कारण बनेंगे। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे कर्म हमें प्रारब्ध बनाते हैं और हमारे यही दुष्कर्म हमें हमारी अंत की ओर ले जाते हैं। किसी को अपने अंत पे शांति मिलती है तो किसी के अंत से समाज में शांति आती है। एक विहत्स अंत कंस का प्रारब्ध बन चुका था, जिससे वो भागना चाहता था, जिसने अनगिनत पाप किए, उसके लिए अपनी बहन पर अत्याचार करना क्या कठिन था? कदाचित वो आकाशवाणी भी एक माध्यम थी, जिससे कंस शीघ्र ही अपने अंत की ओर बढ़े। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य भूल गए और वो माता देवकी को कारगर की ओर खींच रहा था, ये जाने बिना कि उसका अपना काल उसे अपनी ओर खींच रहा। मेरा वध वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा, नहीं तेरा आकाशवाणी अर्थात तेरा पुत्र देवकी। मेरी प्रिय बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसे मेरी दुर्बलता समझ ली, कंस को चुनौती दी। कंस किसी भी दुर्बलता का आक्षेप नहीं बन सकता, और यदि मेरे इस प्रेम को वे दुर्बलता समझते हैं तो आज अभी इसे क्षण इस दुर्बलता को मैं समाप्त कर दूंगा। और जो आकाशवाणी तुमने सुनी थी ना, वो मेरी नहीं थी, वो थी तुम्हारे लिए देवकी, तुम्हारे लिए। दुस्साहस किया तुमने, दुस्साहस नहीं, कर्तव्य है मेरा, वो कर्तव्य जिसका पालन करने का वचन मैंने देवकी को अग्नि साक्षी मान कर दिया। कहीं ये कर्तव्य है तुम्हारा काल ना बन जाए वसुदेव, क्योंकि मुझे केवल और केवल अपना जीवन महत्वपूर्ण लगता है और किसी का नहीं। इस देवकी का भी नहीं। कल तक तो आप देवकी को अपना जीवन मानते, मैं मानता हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार सबको, आपको भी, किंतु देवकी से आपको कोई संकट नहीं। आकाशवाणी के अनुसार
हमारी संतान से आपके प्राणों पर संकट आएगा। तो मेरे अपराध देवकी को मार कर आपको क्या मिलेगा? आपको संशय है तो मैं देवकी को मथुरा से कहीं दूर ले जाता हूं, जहां से वायु भी मथुरा की ओर ना पहुंचे। ना कर्तव्य, कर्तव्य से केवल रक्तपात होता है। और वैसे भी वसुदेव, मैं देवताओं के षड्यंत्र को भली भांति जानता हूं, भली भांति। मैं उनकी इच्छा को भी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं असुरक्षा और भाई का जीवन नहीं काट सकता। इसलिए आज, अभी और इस क्षण देवकी का मरना आवश्यक है। अभी मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा। मुझे विश्वास नहीं है वसुदेव, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी बंदी गृह में रहना होगा। ऐसा अनर्थ ना करो मथुरा नरेश। तनिक सोची, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, महाबली कंस ने निहत्थी अबला का वध कर दिया। लोग, समाज, कंस ने कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्योंकि जो समाज है ना वसुदेव, ये वही बोलेगा जो कंस बुलवाएगा, ये वही देखेगा जो कंस दिखाएगा। क्योंकि संसार में केवल एक ही ईश्वर है, वो है कंस। और उन देवताओं की मंशा को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं, मुझे और देवकी में इतना बल नहीं कि आपका विरोध कर सके। तनिक समझने का प्रयास कीजिए, आपको संकट मुझे और देवकी से नहीं है, हमारी संतान से। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा, इससे आपका संकट टल जाएगा। आप देवकी के प्राण लेकर बहन का हत्यारा होने का कलंक अपने माथे क्यों लगा रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं। ना, मुझे विश्वास नहीं है वसुदेव, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपने संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी बंदी गृह में रहना होगा। आजीवन मेरा संशय दूर करने के लिए, और मुझे वचन देना होगा तुम अपने हर संतान जन्म लेते ही मुझे सौंपोगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार। जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया था। मथुरा की माटी कदाचित उस दिन प्रसन्न थी, जिस राजकुमारी के पांव आज तक उस माटी पर नहीं पड़े थे, उसी माटी से घसीट घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा था। जिस मांग में कभी सिंदूर था, आज उस मांग में धूल थी। जिस मुख पर गर्व था, आज उस मुख पर पीड़ा थी। वो माटी ही अब देवी का श्रृंगार थी, और मानो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वो माटी पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अब वो ही उनका भविष्य। देखो देवकी,
कितना सुंदर पुत्र है हमारा। नहीं, नहीं,